हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू लेक्चर। स्वागत है आप लोगों के एक नया लेक्चर में। नोटबुक के मैं हूँ आप लोग का कंप्यूटर फैकल्टी टीचर सागनिकपाल, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन सेट के क्वेश्चन नंबर 15। देख लेते हैं क्या है। राइट ए प्रोग्राम टू, कुछ लेक्चर्स के लिए वो बोले थे हम पिछले लेक्चर में भी, आप देखे थे थोड़ा मेरा खराश है बुखार के लिए, लेक्चर रिकॉर्ड्स करने सब कुछ, इसीलिए आप लोगों को सिलेबस प्रोसीड करने के लिए। देख लेते हैं, राइट ए प्रोग्राम जावा प्रोग्राम टू चेक वेदर नंबर वेदर गिवन नंबर इज ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। अब आप लोग सोचेंगे ऑटोमॉर्फिक नंबर है या है क्या चीज, तो आप लोगों को थोड़ा बहुत अभी लॉजिक अगर याद हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कि ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है, अगर एक नंबर मैजिक नंबर होता क्या है, अगले नंबर अनहैप्पी नंबर, हैप्पी नंबर, ये सब धीरे धीरे जब हम प्रोसेस करेंगे थोड़ा बहुत आप लोग का दिमाग में सेट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, दिमाग में बैठ जाए तो। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता है कि ऑटोमॉर्फिक नंबर होता क्या है, सिर्फ मेंशन किया जाता है चेक वेदर नंबर इज ऑटोमॉर्फिक नंबर और नॉट। पर अभी हम लोग पहले बार कर रहे हैं तो लिख लेते हैं। एन ऑटोमॉर्फिक नंबर इज अ नंबर हुज स्क्वायर एंड्स विद द सेम डिजिट, मतलब एज द नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 5 का 25 हुआ, या 75 हुआ, या 45 हुआ, या 15 हुआ, या 5 हुआ, या 125 हुआ, कुछ भी हुआ, तब लास्ट में वो हमेशा 5 से एंड होगा। और 6 हुआ अगर लास्ट में, 76 हुआ, 86 हुआ, 6 हुआ, 76 हुआ, 16, 26, 36, 46, 56, 76, 66, 96, 1,06, कुछ भी हुआ तब भी उसका स्क्वायर करेंगे और लास्ट में 6 से ही एंड होगा, क्योंकि 6 × 6 लास्ट में हमेशा 6 ही आता है, 36 तो लास्ट में 6 ही आएगा हमेशा। तो देख लेते हैं क्या कहते हैं। एक नंबर इनपुट ले लिए कोड में, पहले क्लास लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंगर्स, फिर हम लोग एक नंबर इनपुट ले लिए, अब सीक्वल से 0, अब स्क्वायर कर लिए थे नंबर को, दूसरी जगह पे स्टोर किया। अब ये हम लोग नंबर डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, ये डिजिट कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, जीरो जब जब तक नहीं जाएगा, ये डिजिट कैलकुलेट कर लिए। अब लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट क्या है हम लोग का, वो पावर करके निकाल लेंगे, ठीक है। INT लास्ट डिजिट, लास्ट स्क्वायर डिजिट, स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट डिजिट है वो निकाल लेंगे हम लोग, जितना डिजिट है, ठीक है। अगर ये 76 हुआ तो 76 का स्क्वायर 76 ही लास्ट में ऑलमोस्ट आएगा, तो उसको निकाल लिया हम लोग। उसको निकालने के बाद जितना आएगा, ठीक है, जैसे कि हम लोग कैलकुलेटर में एक बार देख लेते हैं, देखिए 76 × 76, देखिए लास्ट में 76 ही आ रहा है, देख पा रहे हैं ना, और वो 2 डिजिट था, तो 2 डिजिट के लिए ये 2 डिजिट काउंट होगा, उसके बाद 10 to the power 10 स्क्वायर हो जाएगा, 10 स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब लास्ट दो डिजिट निकल के आएगा, 75 77 76 में, मतलब वो 5776 में से लास्ट 2 डिजिट निकल के आएगा 76, और कंपेयर करेगा नम से, मतलब जो इनपुट दिया गया था 76, तो अगर दोनों का सेम हुआ तो ऑटोमॉर्फिक नंबर है। देख लेते हैं कंपाइल करके सिंटेक्स एरर है या नहीं, चलिए सही है, अभी रन करके देखते हैं। कोई नंबर इनपुट लेते हैं, जैसे कि 36 इनपुट लिया, इज नॉट एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। 36 का लास्ट में 36 नहीं आता है, 6 आता है, पर 36 का लास्ट में 6 नहीं आता है, देख लेते हैं। 76 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर, दिखाया आप लोगों को, 6 देख लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 इज एन ऑटोमॉर्फिक नंबर। 25 देख लेते हैं, नहीं आएगा शायद, 25 आ सकता है, और 25 आएगा इज नॉट ऑटोमॉर्फिक नंबर, देख सकते हैं। ये है हम लोग का लॉजिक, ये हम लोग का कोड सही है, तो लॉजिक तो बस इतना ही है, इतना ही है लॉजिक। थोड़ा पॉज करके आप लोग लॉजिक लिख लीजिए, थोड़ा या ध्यान रखने की कोशिश कीजिए, कि याद रखने की कोशिश कीजिए कि होता क्या है ऑटोमेटिक नंबर, क्योंकि बोले कि जैसे बोले कभी कभी प्रोवाइड नहीं किया जाता हम लोगों का कोड में। सो पॉज करके लिख लीजिए लॉजिक। तब तक मिलते हैं एक नए लेक्चर में, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, कीप लर्निंग हार्ड।